हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो भाई आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं आरजीबी कैरेक्टर ग्लो इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट दोनों में ही क्रिएट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं इस इफेक्ट का प्रीसेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट दोनों का ही प्रीसेट होगा। तो आप उस लिंक को फॉलो करके इसके प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। और बढ़ते हैं इस वाले वीडियो की तरफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इस इफेक्ट को आप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो और प्रीसेट को यूज कर सकते हो। देन सेकंड में देखेंगे कि कैसे इस इफेक्ट को आप प्रीमियर प्रो में क्रिएट कर सकते हो और प्रीसेट को यूज कर सकते हो। खैर, आगे बढ़ने से पहले अभी से यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाई चलो अब डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं और देखते हैं कैसे इस इफेक्ट को आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करना है और प्रीसेट को यूज करना है। तो आफ्टर इफेक्ट में मैं आ गया हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा क्लिप है। ये एक छोटा सा क्लिप मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट किया है। तो सिमिलरली अपना क्लिप को आप इंपोर्ट वगैरह कर लेना, आपको जो भी ट्विस्टर वगैरह ऐड करना है उसको आप सब अप्लाई करके रेडी कर लेना अपने क्लिप को। और इसके बाद में क्या करना, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेना। देन सेकेंड वाला क्लिप पर आ जाना और यहाँ पर टूल बार में आना, तो यहाँ पर आपको रोटो ब्रश मिलेगा, इसको क्लिक करना और सेकेंड क्लिप पर डबल क्लिक करना। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्लिप में से हमें इस कैरेक्टर को मास्क आउट करना है। अगर आपको रोटो ब्रश यूज करके मास्किंग आती है तो आप इसको कर सकते हो। और इसमें मास्किंग करने के टाइम में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई मास्किंग आपका पूरा प्रिसाइज पूरा परफेक्ट होना चाहिए। और मास्किंग करने के लिए सिंपल है, आपको इस पर सिंपल इस टाइप से ये करते जाना है, ड्रॉ करते जाना है, तो ये मास्क बनते जाएगा ऐसे करके आपका कैरेक्टर पर। और उसके बाद में आप आगे आके कुछ फ्रेम्स आगे आके आप देख लेना कि भाई आपका मास्किंग परफेक्टली हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपका मास्क पूरा परफेक्ट रहना चाहिए। और अगर आप पेन टूल करके यूज कर रहे हो तो भाई आपको एक एक फ्रेम आगे आके आपको देखना पड़ेगा कि आपका मास्क सही से हुआ है कि नहीं, या फिर आपका मास्क कहीं पर आगे पीछे हो रहा है, तो ये आपको टाइम देके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और भाई रोटो ब्रश यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, अगर आपका लो एंड पीसी है तो भाई पीसी का बैंड बजने वाला है रोटो ब्रश यूज करने में, अगर हाई एंड पीसी है तो वो आपका हैंडल कर लेगा। और एक चीज, अगर आप रोटो ब्रश को यूज कर रहे हो तो बाकी जो भी एप्लीकेशंस आपकी खुली रहेगी तो उसको भाई क्लोज कर लेना, क्योंकि रोटोब्रश काफ़ी ज़्यादा पीसी का रिसोर्सेज यूज करता है। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियर प्रो भी खुला हुआ है, क्योंकि भाई मेरा हाई एंड पीसी है तो ये इसको हैंडल कर लेगा। तो अगर लो एंड पीसी है तो भाई बाकी सारी एप्लीकेशंस को आप क्लोज कर लेना, उसके बाद ही आप इस को यूज करना, नहीं तो आपका पीसी हैंग होने लगेगा। तो ये सब कर लेना, आपका पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा मास्क, मैं यहाँ पर पूरा मास्क करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मास्क करने के लिए बैठूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने ऑलरेडी मास्क करके रखा हुआ है। तो अब अपना टाइम निकाल के आराम से इसको परफेक्टली मास्क कर लेना। सो मास्क होने के बाद में आप कीबोर्ड में एक बार जैसे ही स्पेस बार प्रेस करोगे तो जितना दूर का आपका क्लिप है उतना दूर अपने जितना दूर का आपका क्लिप में मास्किंग आपको चाहिए तो उतना दूर का आपका मास्क हो जाएगा, यानी कि वो रेंडर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रीज फ्रेम मिलेगा, इसको जैसे ही फ्रीज करोगे तो ये इसको फ्रीज कर देगा, यानी कि बैकग्राउंड को आइसोलेट कर देगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको स्टॉप करता हूँ और इस वाले लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का इसका ज़रूरत है नहीं। और इसके बाद में मैं अपना मेन वाला क्लिप पर आ जाता हूँ, और ये जो मेरा ऊपर वाला क्लिप है यहाँ पर मैंने इसको हाइड करके रखा था। तो जैसे ही मैं इसको आई बटन को ऑन करता हूँ तो आपको कुछ इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉटम वाले लेयर को हाइड करूँगा तो देखना कि मैंने ऑलरेडी कैरेक्टर को इस पर मास्क किया हुआ था। मैंने क्या किया था, इसको मास्क करके इसको ऑलरेडी यहाँ पर से ग्रीन स्क्रीन अप्लाई किया हुआ है। तो सिमिलरली आप अपना कैरेक्टर को मास्क करके रख लेना। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले क्लिप को क्या करना है, दो बार डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी करके दो बार डुप्लीकेट करना है। और सबसे पहले क्या करना, प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना और उसको इंपोर्ट कर लेना आफ्टर इफेक्ट्स में। इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फाइल मैनेजर में आ जाना डाउनलोड करने के बाद में, और इसके बाद में अपना सी ड्राइव में आ जाना और प्रोग्राम फाइल्स पे आना, देन अडोबी, देन आफ्टर इफेक्ट्स और सपोर्ट फाइल्स। सपोर्ट फाइल्स में आने के बाद में यहाँ पर प्रीसेट करके मिलेगा, सो जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके स्टोर किया होगा वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना, और इसके बाद यहाँ से कट करके आफ्टर इफेक्ट्स को रीस्टार्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपका यहाँ पर इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इतना सारा हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि प्रीसेट्स देखने के लिए मिलेगा। ये आपका आरजीबी स्पिल ग्लो करके रहेगा या फिर कुछ दूसरा नाम से भी रह सकता है। तो आपको दो इफेक्ट्स मेनली मिलेंगे यहाँ पर। तो
सबसे पहले क्या करना है, आरजीबी स्पिल ग्लो इफेक्ट जो है ये नीचे वाला इफेक्ट, इसको ड्रैग करना है और ये सेकेंड लेयर पर आपको ड्रॉप करना है, फर्स्ट वाला लेयर को छोड़ देना है। फर्स्ट वाला लेयर हमारा ब्लैंक रहेगा, इस पर कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं रहेगा, और ये जो इफेक्ट है इसको ड्रैग करना और इस थर्ड वाले लेयर पर इसको अप्लाई कर देना। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा अब इफेक्ट आ गया है। अब देखते हैं कि हमने इस पर क्या क्या चीज़ें यूज की है। तो सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को हाइड कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पर आ जाना है। सेकेंड वाला क्लिप पर मैं आता हूँ, नीचे वाला को फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से आई बटन से। और सबसे पहला मैंने इफेक्ट इस पर अप्लाई किया है एज डिटेक्ट, s_edge_detतो इस इफेक्ट को यूज करने के लिए सफायर प्लगइन आपके पास में रहना चाहिए, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, तभी ये इफेक्ट आपका काम करेगा। तो आप अगर प्रीसेट्स का यूज नहीं करना चाहते हो, आप अपने से इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो, तो सेटिंग्स देख लो क्या क्या सेटिंग्स करना है। इस इफेक्ट को अप्लाई करना, देन यहाँ पर एज स्मूथनेस को कर देना है 8, ब्राइटनेस को कर देना है 2, बस ये दो चीज़ों को यहाँ पर ट्विक कर देना। और इसके बाद में एज कलराइज पर आ जाना और यहाँ पर एज स्मूथनेस को कर देना है 50, ठीक है। और इसके बाद में कलर जो है ये अपना अकॉर्डिंग में, जो भी कलर आपको परफेक्ट लगे अपने अकॉर्डिंग में इसको चूज कर लेना। देन क्या करना है, ये जो रोटेट कलर है, ये रोटेट कलर यानी कि हमारा जो कलर है वो रोटेट करेगा एक कैरेक्टर के चारों साइड में। तो इसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करना और स्टॉप वॉच आइकन पर क्लिक कर देना एक बार। तो एक बार जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना कि आपका एक्सप्रेशन खुल जाएगा, ये एक्सप्रेशन का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन टाइप करना है टाइम इंटू 500, मैं यहाँ पर 500 दे रहा हूँ यानी कि ये 500 मिली सेकेंड्स है। तो आपको जो भी टाइमिंग चाहिए, आपको अगर जल्दी जल्दी मतलब इसका इसको कलर को रोटेट करवाना है यानी कि कलर को वेरी करवाना है, तो आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा दे सकते हो, 2000 1000, जितना ज़्यादा दोगे तो वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा और जितना कम टाइम दोगे उतना स्लो होगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए 500 ही रहने देता हूँ। और इतना करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर हो गया आपका काम। देन सेकेंड में यहाँ पर डीप ग्लो, एक ये भी थर्ड पार्टी प्लगइन है तो इसको भी आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डीप ग्लो अप्लाई कर देना। और उसके बाद में यहाँ पर इसका रेडियस को 250 कर देना, एक्सपोजर 1%, और यहाँ से ब्लेंड मोड इसका स्क्रीन रहेगा। देन इसके बाद में एक इफेक्ट और अप्लाई करना है एज रेज करके, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप अप्लाई कर भी सकते हो नहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अप्लाई कर देना और रे लेंथ को अपने अकॉर्डिंग में रख लेना, मैं यहाँ पर 0.5 का रखा हूँ और यहाँ पर इसका रे ब्राइटनेस जो है ये है 0.5 का। तो इतने सारी सेटिंग्स को कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। देन थर्ड वाला लेयर पर आ जाना है और थर्ड वाला लेयर पर देख लो क्या क्या इफेक्ट्स अप्लाई है। एज कलराइज, इसको क्या करना है, इस सेकेंड वाले लेयर से इसको यहाँ से एज कलराइज को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना और यहाँ पर आके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेना। इसका डिफॉल्ट सेटिंग वही रहेगा जो हमने सेकेंड लेयर पर अप्लाई किया था। और इसके बाद में यहाँ पर मेन जो हमने इफेक्ट इस पर अप्लाई किया है थर्ड वाले लेयर पर, ये है टर्बुलेंट डिस्प्ले। तो ये जो टर्बुलेंट डिस्प्ले इफेक्ट है ये इनबिल्ट इफेक्ट है, ये आपको ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स में इनबिल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर अमाउंट को कर देना 150, साइज को कर देना है 30 और इवोल्यूशन को वैसे ही कर देना है। यहाँ पर कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करना और स्टॉप वॉच आइकन पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन खुल जाएगा। और इसको भी मैं दे दूंगा टाइम इंटू, मैं इसको 700 दे देता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पर एज कलराइज में हमने 500 किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। तो इतना होने के बाद में आपका यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो आप इसको प्ले करके देख लेना तो किस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। सो इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। और इसको अगर आपका कलर वगैरह चेंज करना रहेगा तो आप इस कलर को एज कलराइज से यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप इस इफेक्ट को आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो या फिर प्रीसेट का यूज करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप इस प्रीसेट को डाउनलोड कर रहे हो और यहाँ पर अगर आपको नाम कुछ दूसरा मिल रहा है तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप इफेक्ट्स को अप्लाई करना और देख लेना कि बॉटम वाला जो लेयर रहे उसमें दो ही इफेक्ट रहेगा, एज कलराइज और टर्बुलेंट डिस्प्ले, और ऊपर वाला लेयर जो रहेगा उसमें बाकी सारे इफेक्ट्स रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग में इसको कर सकते हो। तो ये था हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल। तो इसके बाद चलते हैं कि देखते हैं कैसे इसको हम प्रीमियर प्रो के अंदर में क्रिएट करेंगे। सो प्रीमियर प्रो में क्रिएट करने के लिए मैं प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी अपना क्लिप को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था और ये भी हमारा ये ग्रीन स्क्रीन ही है। जैसे मैं इसको हाइड करूँगा तो मैंने इस पर भी अपना कैरेक्टर को मास्क किया है। प्रीमियर प्रो में मास्क करने के लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना और इसको डुप्लीकेट कर लेना। जो नीचे वाला क्लिप था इसको फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ ये ग्रीन स्क्रीन को। तो करने के बाद में क्या करना है, यहाँ से पेन टूल ले लेना, ओपेसिटी में आना, यहाँ से पेन टूल ले लेना और इसके बाद में आप अपना कैरेक्टर के चारों साइड में मास्क क्रिएट कर लेना।
आपको मैं यहाँ पर रफ मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है पूरा एक्यूरेट मास्क क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आपका मास्क एक्यूरेट नहीं होगा तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। और मास्क क्रिएट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर मास्क पाथ में आ जाना और स्टॉप वॉच आइकन को ऑन कर देना। अब क्या करना, एक एक फ्रेम आपको आगे आना है और अपना मास्क को उसी अकॉर्डिंग में एडजस्ट करते जाना। आपका जैसे कैरेक्टर मूव हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग में आपका जितना लंबा क्लिप है अपना कैरेक्टर का चारों साइड में मास्क को एडजस्ट करना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मास्क क्रिएट हुआ है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने मास्क क्रिएट कर लिया होगा। और इसके बाद में ऑल्ट प्रेस करना, इसको दो बार डुप्लीकेट कर लेना है। देन सिमिलरली प्रीसेट्स को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। प्रीसेट्स पर आना, राइट क्लिक करना, यहाँ पर इंपोर्ट प्रीसेट्स करना, जहाँ पर भी स्टोर किया होगा वहाँ से जाके आपको इंपोर्ट कर लेना है। सो इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो इफेक्ट्स मिल जाएंगे, RGB ग्लो V2, RGB ग्लो V3। सो RGB ग्लो V2 को पकड़ना और V2 वाला जो लेयर है इस पर ड्रॉप कर देना। ये V2 मेरा पहला लेयर है, आपका अगर और ज़्यादा लेयर है तो आप उसी अकॉर्डिंग में ड्रॉप करना है, ठीक है। और इसके बाद में V3 को पकड़ना और V3 वाला लेयर पर ड्रॉप कर देना। ऊपर वाला लेयर पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक। तो V3 लेयर पर आते हैं और यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स मैंने यूज किया है देख लो एक बार। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अनहाइड करूँ तो सबसे पहला इफेक्ट है एज डिटेक्ट, और इसका सेटिंग सी रहेगा, एज स्मूथ 8, ब्राइटनेस आपका रहेगा 2, और बाकी का कोई चीज़ का आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। देन इसके बाद में एज कलराइज, सफायर प्लगइन है ये भी, और इसके बाद में एज स्मूथनेस 50, और ये कलर आप जो भी कलर चाहो अपने अकॉर्डिंग में इसको कर सकते हो। और इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा अनहाइड कर देता हूँ, इसका कलर को हमको रोटेट कराना है। आफ्टर इफेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ईजी है, हम वहाँ पर एक्सप्रेशन डाल के इस कलर को रोटेट कर सकते थे। इसमें रोटेट करने के लिए क्या है, आपको की फ्रेम अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैं एक की फ्रेम अप्लाई किया हूँ, देन एंड में क्लिप का जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई किया हूँ, और इसका वैल्यू को मैं 500 कर दिया हूँ। आप ज़्यादा या फिर कम कर सकते हो। अब क्या होगा, हमारा कलर कुछ इस टाइप से मतलब वेरी करेगा। सो एक ही साइड में एक कलर नहीं रहेगा, ये कैरेक्टर के चारों साइड में ये वेरी करता जाएगा। सो ये इतना तक तो हो गया है। अब क्या करना है, थर्ड इफेक्ट एक अप्लाई करना है, यूनिक ग्लो। आफ्टर इफेक्ट्स में यूज हुआ था डीप ग्लो प्लगइन, यहाँ पर रेड जैंड यूनिवर्स का यूनिक ग्लो प्लगइन यूज होगा। तो रेड जैंड यूनिवर्स प्लगइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये ग्लो इफेक्ट काम करेगा। और कोई अगर आप ग्लो इफेक्ट इसमें यूज कर रहे हो तो वो उतना अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सो इसके बाद में इसका सेटिंग्स इस टाइप से है, थ्रेशोल्ड को कर देना है 20, इंटेंसिटी 1 रहेगा, ग्लो रेडियस यहाँ पर रहेगा 15। बस ये तीन चीज़ को ही चेंज करना है और किसी चीज़ को आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। देन लास्ट इफेक्ट इस पर रहेगा एज रेज, और इसका सेटिंग्स कुछ इस टाइप से रहेगा, रे लेंथ रहेगा 0.5, और इसके बाद में यहाँ पर रे ब्राइटनेस 0.5। इसका ब्राइटनेस को आप अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हो, और रे का कलर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर व्हाइट मेरे अकॉर्डिंग में सही लग रहा है। तो ये तो हमारा था V3 लेयर का इफेक्ट्स। अब इसके बाद में V2 लेयर पर आ जाते हैं, क्या इफेक्ट्स है। तो V2 लेयर के लिए आपको V3 लेयर का यहाँ से एज कलराइज को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना और V2 लेयर में आके पेस्ट कर लेना। देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर सेम इफेक्ट्स है, सेम सेटिंग्स रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पर एक इफेक्ट हमने यूज किया है टर्बुलेंट डिस्प्ले, तो इसका भी सेटिंग्स आपका इस टाइप का रहेगा। अमाउंट को कर देना है 150, साइज रखना 30, और इसके बाद में इसका ऑफसेट टर्बुलेंस को यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना स्टार्टिंग में क्लिप का, और एंड पर आने के बाद में एक की फ्रेम अप्लाई कर देना। और इसके बाद में अगर मैं इसका सेटिंग दिखाऊं तो स्टार्टिंग का वैल्यू मैंने डिफॉल्ट रखा है, वाई पोजिशन 540 है, और इसके बाद में इसको मैं 1000 कर दिया हूँ। आप चाहो तो एक्स को भी चेंज कर सकते हो, मैं सिर्फ वाई को चेंज किया हूँ। तुम्हारा जैसे ही ये होगा तो आप जो देख रहे हो इस टाइप से जो ये घोस्ट के टाइप का इफेक्ट आ रहा है, घोस्ट बोल दो या फिर आपका स्मोक के टाइप का जो भी इफेक्ट है, ये पीछे में जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस के टाइप का जो आ रहा है वो इफेक्ट आपका यहाँ पर लगेगा, ये एनिमेट हो रहा है। आफ्टर इफेक्ट्स में क्या था, हमने एक्सप्रेशन यूज करके इसको हमने वेरी करवाया था, यानी कि इसको हमने एनिमेट किया था, यहाँ पर हमने की फ्रेम यूज करके किया है। तो इतना हो जाने के बाद में आपका इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको ये इफेक्ट डल लग रहा होगा तो इसके लिए आप इसके ऊपर में कलर ग्रेडिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हो, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, कर्व्स वगैरह अप्लाई कर देना, तो इसमें इफेक्ट्स का कलर आपको और अच्छा से निकल के आएगा। तो इस टाइप से आप इस इफेक्ट को प्रीमियर प्रो में क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस प्रीसेट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो भाई ये था प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल। तो भाई इस टाइप से आप इस इफेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो दोनों में ही क्रिएट कर सकते हो।
आई होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और भाई अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जब भी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर से कर देना, सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए बंदे हो। तो मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।